हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स पढ़ा है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स और ये जो डिटरमिनेंट अभी जो पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आप अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना जानते हैं तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट पर बस सिंबल का डिफरेंस रहता है। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे बॉक्स में लिखते हैं तो वो हो जाता है मैट्रिक्स, और अगर ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है डिटरमिनेंट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना रहता है तो वहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा आंसर जो आएगा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स क्या है कि डिटरमिनेंट क्या है। मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है और डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लो हम लोग को समीकरण दिया है a1x + b1y = 0 और a2x + b2y = 0, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे बजकुरन विधि लगा सकते हैं, या तो विलोपन विधि, या तो एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे a1 a2 b1 b2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे विलोपन विधि से हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 upon b1 = a2 upon b2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो a1 b2 - b1 a2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आता है हम लोग का सारणी स्टार्ट होता है। हम लोग इसको अगर a1 a2 b1 b2 अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम लोग सारणी का इसका विस्तार करेंगे, ठीक है, तो उसको ये क्या हो जाता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच में क्या रहता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सारणी, ठीक है। और इसको जब हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो ये मान आएगा, अगर हम लोग पंक्ति और स्तंभ को निकाल देते हैं, पंक्ति किसको बोलते हैं, ये है पंक्ति, ये है स्तंभ। अगर हम लोग पंक्ति और स्तंभ को निकाल देते हैं, इसका प्रसार करते हैं, तो प्रसार करेंगे तो क्या होगा, a1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 के साथ इसका हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाता है, तो इसको बोलते हैं उपसारणी, ठीक है। उपसारणी किसको बोलते हैं, यदि पंक्ति और स्तंभ को हम लोग निकाल दें, इसका प्रसार करें इस सारणी का, तो वो होता है उपसारणी, ठीक है। हमें अगर सारणी का विस्तार करना है तो उपसारणी निकालना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो शाखंड, शाखंड क्या होता है, ये होता है -1 के पावर i + j, मीन्स जैसे कि i क्या है, पंक्ति है यहाँ पे, और j क्या है, स्तंभ है। जैसे कि आप लोग मान लो को दिया है a 1 3 का मान दिया है -6, ठीक है। अगर हम लोग इसका शाखंड निकालें तो इसका शाखंड हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्या है, पंक्ति है, और 3 क्या है, स्तंभ है, ठीक है। मीन्स 1 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे -6, यहाँ पे i + j मीन्स 1 + 3 मीन्स -6 के पावर 4, ये क्या है, सम नंबर है, ठीक है। तो सम नंबर है, तो यहाँ क्या है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसका मान जो होगा वो -6 ही होगा। अगर यहाँ पे -6 के पावर 5 होता तो क्या है, सम नंबर है, तो यहाँ पे जो ये -6 है वो 6 हो जाता, ठीक है। ये होता है उसका शाखंड, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पंक्ति और स्तंभ को चेंज करते हैं, मान लो ऐसा दिया है a1 a2 b1 b2, ऐसा दिया है, ठीक है। अगर हम लोग पंक्ति और स्तंभ को चेंज करेंगे तो इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। जो ये सारणी का मान है, इसका मान नहीं बदलता है, मीन्स a1 b1 a2 b2 अगर चेंज करते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा जो है, यदि पंक्ति के दो स्तंभ और क्या है, सॉरी, यदि कोई सभी सारणी दिया है उसके दो स्तंभ और पंक्ति समान है तो पूरा सारणी का मान 0 आएगा। जैसे कि 1 1 1 1 1 1, इसमें 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसा दिया है कोई सभी सारणी में दो स्तंभ, देखो यहाँ पे 1 1 1 ही है, तो इसका इस पूरे सारणी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है इसमें, यदि किसी संख्या से गुणा करें तो पूरा सारणी गुणा हो जाता है। मान लो ऐसा दिया है 1 2
54। अगर इससे हम लोग को गुणा करना है, मींस 9 से गुणा करना है, तो इस पूरे साइडिंग में ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 9, 18, 45 और 36 ये साइडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा, यदि किसी पंक्ति के स्तंभ का अवयव शून्य है तो पूरे सारणिक का मान 0 आएगा। यदि कोई सभी पंक्ति या स्तंभ, मान लो ये 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा दिया है, तो इस पूरे सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ये तो पंक्ति में दे दिया, अगर कोई स्तंभ में भी अगर 0, 0, 0 आ जाता है, ठीक है, 1, 4, 5, 9, 6, 3 तो इस पूरे सारणिक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, यदि सारणिक x है, ठीक है, तथा x इक्वल टू a रखने पर सारणिक शून्य हो जाता है, ठीक है, तो उसका समाकलन क्या होगा, x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सभी दिया है, ठीक है, तो सारणिक जैसे कि 4 दिया है, ठीक, तो हम लोग अगर x माइनस x अगर हम लोग 4 रखते हैं यहाँ पे कहीं पे, सारणिक का मान अगर 0 हो जाता है, तो वहाँ पे x माइनस 4 लेना है। ठीक है, तो x माइनस 4 उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। मीन्स अगर 4 रखते हैं, सारणिक का मान अगर 0 हो जाता है, तो यहाँ पे जो उसका गुणनखंड होगा क्या होगा, x माइनस